हैप्पी वेलकम टू चैनल। मैं हूँ विशाली, सब लोग का स्वागत करती हूँ विशाली मित्रा के फैशन डोज पे। सो मेरे पास बहुत दिन से रिक्वेस्ट थी कि विशाली, फेस्टिवल्स तो हैं ही प्लस वेडिंग्स भी आने वाली हैं, तो अभी तक एक्सेसरीज़ का हॉल किधर है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही कमाल का मीशो हॉल, जिसमें आपको फुटवेयर, ज्वेलरी, हेयर एक्सेसरी, बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइटम्स देखने को मिलेंगे जो कि बहुत अफोर्डेबल हैं और बहुत ही सही लगने वाले हैं। मतलब कमाल लगोगे, एक छोटी सी एक्सेसरी अगर आप ऐड करते हो और मैं पूरे लुक पर कम्प्लीटली चेंज कर देगी। और आप ये सोच रहे हो कि वैशाली आज माइक हाथ में पकड़ कर क्यों बैठी है, बिकॉज ऑफ दिस ग्रैंड पीस। सो अभी मैं आपको इसका निकाल कर क्लोजअप लुक देती हूँ। सभी के कोड्स एंड लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिए हैं, फटाफट से देख लेना क्योंकि स्टॉक आउट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। लेट मी शो यू। सो मैं आ गई हूँ थोड़ा सा क्लोज ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में दिखाई दे। सो ये है वो फर्स्ट पीस एंड द शो स्टॉपर। आगे बहुत सारे पीसेस और भी आएंगे ऐसे। लुक एट द ब्यूटिफुल नेकलाइन, जो कि आप ड्रेसेस पर इस तरीके से मैंने ये पहनी हुई है, इसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। प्लस अगर आपने कट स्लीव का कोई ब्लाउज़ पहना हुआ है और साड़ी डाली हुई है उसके ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा क्लासी लगेगा। कुछ आइडियाज़ मैं शेयर कर दूंगी साइड में पिक्चर्स के साथ। लुक एट दिस ब्यूटिफुल एम्बेलिश, पूरा पर्ल वर्क किया हुआ है जो कि बहुत अच्छे से स्टिच्ड है। बैक साइड पर भी ये कुछ इस तरीके से है। आई जस्ट लव दिस पीस यार, मतलब ये बहुत वर्सेटाइल है। इवन बहुत सारे बच्चों को पहनना पसंद है, मेरी भी बेटी है तो मैं उसको भी ये पहनाने वाली हूँ। एक सिंपल सी ड्रेस आपके बच्चे ने पहनी है बट उसको पार्टी वेयर कैसा बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, तो इस तरीके के पीसेस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। जो प्राइस रेंज है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत सुंदर है। जस्ट ट्राई इट आउट। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि फेस्टिवल्स आ गए हैं और शादियाँ आने वाली हैं, ऐसे ही विंटर्स भी आने वाले हैं। विंटर में सबसे ज़्यादा ना परेशान करती है ड्राई स्किन, और टू बी वेरी ऑनेस्ट हर स्किन टाइप को एक ऐसा मॉइस्चराइज़र चाहिए जो कि लाइट वेट हो और हैवी फील ना कराए, उसको बार बार रीअप्लाई करने का एटलीस्ट मन करे। सो ऐसे ड्राई वेदर में जिसमें आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हार्श और इरिटेटिंग हो जाती है, उनके लिए मैं ये शेयर करने वाली हूँ। करंटली मेरा फेवरेट है, मैं बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर रही हूँ। बिलीव मी, मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है बट स्टिल ये मुझे बहुत अच्छे से सूट कर रहा है। मामा अर्थ का विटामिन सी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर विद विटामिन सी एंड गोटुगुला। लव दिस, लव लव लव। 24 आवर का हाइड्रेशन देता है आपको, पैराबेन सिलिकॉन फ्री है, लाइट वेट फॉर्मूला है और सारे ही स्किन टाइप को ये सूट करता है। मैं एक छोटी सी क्लिप ऐड कर रही हूँ जिसमें आपको एप्लीकेशन दिखाऊंगी, इसका टेक्सचर दिखाऊंगी और इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगी। विंटर्स कम विद ड्राई एंड डल स्किन एंड वाइल द रेगुलर मॉइस्चराइजर्स जस्ट मॉइस्चराइज बट आर हैवी ऑन स्किन एंड डोंट गिव अ ग्लो। I wish there was a perfect moisturizer which leaves my skin moisturized, glowy and non-sticky. This Mamaearth Vitamin C oil-free moisturizer is my go-to lightweight moisturizer which is infused with the goodness of vitamin C, leaving my skin well moisturized and glowing. It is also non-sticky and gives me the perfect winter glow naturally. And in this moisturizer, Gotugula gives you moisturization along with the glow and vitamin C which gives you the glow and the hydration. One more thing, every time you buy from them, Mamaearth will link your order on the website to a tree that they plant. By 2025, Mamaearth is aiming to plant 1 million trees as a part of this initiative. So, dekha aapne, hai na kamal ka moisturizer, ek baar try zarur karna. आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और आप इसको रीपर्चेज करोगे। जैसे कि मामाअर्थ को आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं, बट अगर आप मामाअर्थ की वेबसाइट से परचेज़ करने वाले हैं तो मित्रा 2023 जो कि मेरा कूपन कोड है जिससे आपको एक्स्ट्रा 20% का ऑफ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दे दिए हैं जहाँ से आपकी चॉइस हो, प्लीज़ उसको बाय करके एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलो जी आगे मूव कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे आइटम हैं आज शेयर करने के लिए। सो मैं सबसे पहले ना फुटवेयर दिखा देती हूँ क्योंकि मेरे पास टू पेयर ऑफ फुटवेयर है। सो फर्स्ट इज दिस ब्यूटिफुल बेली, ये देखो ये बहुत सही है। एक्चुअली में ही ना फ्लैट में है, ये देखो इस तरीके से म्यूल्स बोल सकते हो आप इसको। आगे इस तरीके से स्टोन वर्क है, इसी तरीके के एक्चुअली इसको आप ज़ारा का ड्यूप बोल सकते हो। ज़ारा में ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, 5 to 6K तक आपको मिल सकती है, बट
यहाँ पर तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। फिर द ब्रांड नेम इज़ शूटोपिया और इसके इस ब्रांड के ना बहुत सारे वेबसाइट पर फुटवेयर्स हैं, ये कमाल के हैं, एक बार ट्राई करना। इसमें आई थिंक एक दो कलर्स भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, अब कंफर्टेबल फुटवेयर, मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट है कि विशाली हीज फ्लैट्स तो दिखाते रहते हो, प्लीज़ एक कंफर्टेबल फुटवेयर शेयर करो। इसमें मैंने 37 साइज पहना है और ये पैरागॉन ब्रांड से है। ये देखो यहाँ पर टैग भी लगा हुआ है, मैंने हटाया नहीं ताकि आप उसको अच्छे से देख सको। ऊपर ना यहाँ पे ये वेलवेटी स्टफ़ है, प्लस यहाँ पे एम्बेलिश्ड वर्क है। एज एन घर में तो आप पहन ही सकते हो, थोड़ा बहुत मार्केट वगैरह जाना है और बिल्कुल सिंपल फुटवेयर आपको पहनना नहीं अच्छा लगता, इसमें कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है और थोड़ी सी हाइट भी मिल जाती है। हमारे घर में हमारी मम्मी, दादी और हमारी मदर इन लॉ, उन लोगों को इस टाइप के फुटवेयर्स बहुत पसंद आएंगे, तो उनके लिए आप परचेज कर सकते हो। कलर भी काफ़ी अच्छा म्यूटेड पिंक कलर है, सो इसमें भी कलर ऑप्शंस हैं, आप देख लेना। चलो जी, नेक्स्ट मूव कर लेते हैं, ज्वेलरी देखते हैं पहले। ओके, फर्स्ट पीस ये एक्चुअली ना मैंने वान्या के लिए मंगाया था, स्कूल्स में बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं, सो मैंने ये माथा पट्टी मंगाई है। हर बार बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, ये देखो, अदरवाइज हर कोई लगा सकता है। ये देखो इस तरीके से ना बहुत सुंदर यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, एक छोटा सा मांग टिका है। आई डोंट नो आपको इस वक्त मेरी मेहंदी के पीछे दिख रहा है या नहीं, ये देखो। सो इस तरीके से आप अटैच कर सकते हो, खुद तो पहन ही सकते हो ऑब्वियसली, बट मैंने तो स्पेशली बता दूँ मैंने वान्या के लिए लिया है, मुझे काफ़ी परेशानी हो जाती है जब ऐसा कोई सीन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, वेरी प्रिटी ईयरिंग्स, जो कि मैंने पहला वो नेक का दिखाया था ना आपको, उसके साथ अगर प्रिटी से ईयरिंग पहनना चाहते हो ना, ये वाले ट्राई करना। ये देखो ये बहुत सुंदर है, ये देखो इस तरीके से ना ऊपर एक चेन है और नीचे राउंड रिंग काइंड ऑफ बना रखी है पर्ल से। यार ये चला जाए यार, ये इस तरीके से लटका हुआ बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और लाइट वेट, मतलब इसमें वेट है ही नहीं। सो इट्स अ वेरी प्रिटी पीस। सो जो नेक्स्ट ईयरिंग है वो कुंदन में बहुत ही प्यारे ईयरिंग्स हैं, ये देखो इस तरीके से मरून कलर के, और इसके पीछे ना मीना वर्क भी है, ये इसका बैक साइड है। सो एज इन मुझे ये बहुत ही सुंदर लगे, लाइट वेट तो है ही प्लस पहने में बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखो बहुत सुंदर, इतनी सुंदर क्वालिटी, ये देखो, लव इट। जो कि पूछना चाहते हैं कि मैंने नेल्स कहाँ से करवाए हैं या फिर मेरी मेहंदी मैंने कहाँ से लगवाई, सो प्लीज़ आप मेरा इंस्टाग्राम एक बार ज्वाइन कर लो, वहाँ पर सारी रील्स बना के मैंने सारी चीज़ें अपडेट की हुई हैं, वहाँ पर आप देख सकते हो, बिकॉज बोथ आर इंस्टाग्राम पेजेस, सो ना इंस्टाग्राम पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। नेक्स्ट, अ वेरी प्रिटी पेंडेंट, ये देखो पर्ल की पूरी चेन आएगी एंड नीचे की तरफ ये ड्रॉप वाला बहुत सुंदर कुंदन का एक पेंडेंट है, एक लॉन्ग पेंडेंट। अरे मैंने सीधा दिखाया कि उल्टा, एक सेकेंड, ये है इसका सीधा साइड, ऊपर चांद है और नीचे कुंदन वर्क, प्लस नीचे एक स्टोन मिलेगा। आई लव इट यार, ये बहुत सही लगता है इस तरीके का बेसिक अगर मैंने पहना हुआ है ड्रेस। ये देखो मैंने पकड़ा हुआ है एंड दिस इज़ द लेंथ, बहुत ही डिसेंट एंड क्लासी लगता है पहनने के बाद। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस और भी अवेलेबल हैं, इफ़ यू वांट टू ट्राई कर सकते हो। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट नेक पीस, ओके, इसका नेक पीस मैंने कहीं गिरा दिया है, नहीं गिराया, ऐसे ही लंबे नेल्स के साथ ही सारी चीज़ें हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट ये देखो ये नेक पीस बहुत सुंदर है लोटस में, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल डेंटी पीस। ये देखो इस तरीके से एक लोटस बना हुआ है, ये देखो, और नीचे बहुत सुंदर एक पर्ल लगा हुआ है और ये पर्ल की माला है। सबसे अच्छी चीज़ है इसका ईयरिंग, ये देखो कितना सही बड़ा सा ईयरिंग दिया हुआ है, ये देखो ये मैंने ईयरिंग पहन लिया है और ये नेक पीस है, बहुत कम प्राइस में बहुत ही सुंदर सी क्यूट चीज़ है, जस्ट हैव इट। ये देखो, ओके, फटाफट से मूव कर लेते हैं हेयर एक्सेसरीज़ पर। हेयर एक्सेसरी पे सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक क्लचर का कॉम्बो, क्योंकि मुझे पता है मोस्टली लोग क्लचर्स लगाना पसंद करते हैं, बट एक अच्छे क्लचर्स ना नहीं मिलते हैं फैंसी पार्टी वेयर टाइप। सो यहाँ पर ये दो का कॉम्बो है, एक का ऑफ वाइट कलर है और एक में ब्लू कलर है, बीच में पर्ल है, इस वाले में ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, बीच में एक हाफ पर्ल लगाया हुआ और यहाँ पूरे क्लचर पर पर्ल है,
ये बहुत सही लगते हैं, ये देखो दोनों साइड लगा लो, ये देखो ये है एक और ये है वाइट, इट्स वेरी प्रिटी। ये देखो कोई भी हेयर स्टाइल नहीं किया है और नहीं करना चाहते हो, जस्ट ऐड दीज एंड यू आर गुड टू गो। बहुत प्रिटी हैं। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट, अगर क्लासेस में वो बोलूँगी तो इट इज़ अ शो स्टॉपर। इट्स अ वेरी प्रिटी राइनस्टोन पीस। आई डोंट नो कैमरा कितना पिक कर रहा है बट इसके स्टोन लाजवाब है। जिस प्राइस में मुझे रिसीव हुआ था द क्वालिटी इज़ अमेजिंग। मेरी मम्मी खुद कह रही थी कि ये बहुत सुंदर, और एक्चुअली 3D फ्लावर्स है। ये फ्लावर ना घूमता भी है, एक सेकेंड ये देखो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पीस है ये। ये देखो किसी भी वेडिंग में जा रहे हो, जस्ट कुछ नहीं करना, एफर्टलेस हेयर स्टाइल, ब्यूटिफुल एक्सेसरी। ओके नेक्स्ट, अ वेरी यूजफुल। देखो ये इस तरीके से ना क्लॉक क्लिप है, और इसके ऊपर ये देखो आप फ्लावर्स देख रहे हो, 3, 1, 2, 3, ये भी छोटे छोटे क्लॉक क्लिप्स हैं, ये देखो ऐसे। सो इससे हेयर स्टाइल बनाना बहुत आसान हो जाता है। अपने बच्चों का हेयर स्टाइल बनाना है, पार्टी में जाना है, ऑलवेज हम लोग रेडी होते हैं, मतलब रेडी होते हैं बट लेट हो जाते हैं, तो उन केसेस में ये वाला बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। प्लस बच्चों के लिए एक छोटा सा क्लचर, मतलब एक और पीस, ये तो मैंने वानी के लिए मंगाया है, प्लस वन मोर क्लचर, द क्यूटेस्ट क्लचर। ये देखो यहाँ पे ना ये बेरीज बनी है, ये देखो अगर आप ठीक से देख रहे हो ना, बेरीज बनी हुई है। आई डोंट नो हाउ टू शो, इस तरीके से ना बेरीज बनी हुई है, और इसमें ना 4 का आता है ये सेट, 3 यहाँ पर है, चौथा पता नहीं उसने गायब कर दिया है, उसे खुद बड़ा पसंद आया था। दोनों साइड इधर ना पर्ल लगे हुए, इधर भी दोनों पर्ल है और पीछे की तरफ भी पर्ल है। तो ये ऐसे पर छोटू सा बहुत प्यारा क्लचर है, कुछ नहीं करना, ऐसे ले लो जस्ट। मैंने भी गिरा दिया, बड़े नेल्स, ये देखो क्यूट लग रहा है ना, मतलब सच ए यूजफुल थिंग्स। नेक्स्ट, मैंने तो आपसे कहा था इट्स ए ह्यूज हॉल। अच्छा इसमें मुझे ये एक ही रिसीव हुआ है, ये क्लॉक क्लिप इस तरीके से, एंड इस पर 4 पर्ल्स लगे हुए हैं जिसकी क्वालिटी काफ़ी सुंदर है। तो अगर मैं ऐसे करके अपने बालों को थोड़ा सा ऐसे ले लूँ और इसको लगा दूँ, एंड इसमें आई थिंक ये 100 रुपीज़ का एक सिंगल पीस था, देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट, वेरी प्रिटी टिकटॉक क्लिप्स। ये देखो इस तरीके से ये 1, 2, 3, 4, 5 का सेट है, और ये लगाने के बाद बहुत सुंदर लगते हैं। वानी को मैंने येलो वाला लगाया था, क्योंकि नॉर्मल वाला जो टिकटॉक्स होते हैं ना, आई विल शो यू वन। ओके ये पिंक वाला है, इट्स वेरी क्यूट, बहुत सुंदर लगते हैं। मैंने उसको लगाया था, काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि विशाली ये आपने वानी को क्या लगाया, तो इट्स अ ब्यूटिफुल टिकटॉक क्लिप। मूविंग टू द नेक्स्ट क्लचर, दिस ब्यूटिफुल मेटल का क्लचर, लुक एट दिस। ये पूरा ना वेलवेट लगा हुआ है, ये ग्रीन वेलवेट, यहाँ पर पर्ल, और ये वेलवेट का रोज बना हुआ है, आई लव दिस। और ये जो मटेरियल है ये पूरा मेटल है, देखा, तो ये भी काफ़ी सुंदर लगेगा, ये देखो यूनिक। अगर आपको ये एक्सेसरीज अच्छी लग रही है और मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो मेक श्योर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और आज इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, बेल बटन को हिट कर देना ताकि कोई भी वीडियो मिस नहीं करो। अगर आप मेरी पहनी हुई ड्रेस के बारे में क्वेश्चन करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं एक क्लिप ऐड कर रही हूँ, ये भी मैंने मीशो से ही लिया। इट्स अ ब्यूटिफुल बेसिक ग्रे कलर का ड्रेस जो कि सॉफ्ट कॉटन में है, और उसके अंदर मलमल कॉटन की लाइनिंग लगी हुई है। अगर इस स्टॉक में आपको मिलता है एक बार ट्राई ज़रूर करना, ये बहुत अमेजिंग है। मैंने जो साइज़ पहना हुआ है विच इज़ लार्ज। चलो जी, लास्ट आइटम ऑफ दिस हॉल इज़ ब्यूटिफुल शेल ब्रेसलेट। ये देखो मुझे ना शेल की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ये इतना बड़ा है, इसका जो थ्रेड है, अपने पैरों में भी आप पहन सकते हो एज एंकलेट, और इसको ब्रेसलेट तो आप बहुत आराम से पहन सकते हो। सो यही था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में मज़ा आया होगा। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। स्टे चिपक के, बाय।